हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप एम पी स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पी डी करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पी डी कर सकते हैं चलिए तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है इन इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर यहाँ पर पूछा गया है कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो हमारे इंडिया में कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ई इज़ नाइनटीन सेवनटी एट ऑप्शन नंबर बी इज़ नाइनटीन एटी फाइव ऑप्शन नंबर सी इज़ नाइनटीन नाइनटी टू एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नाइनटीन नाइनटी सेवन तो यहाँ पर हमें बताना है कि हमारे इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1985, 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था Uh, पहले जो है 1978 में हमारे इंडिया में एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन आया था बाद में जो इसका नेम है वो चेंज करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया था तो यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यदि पूछा जाए तो उसका राइट right आंसर 1985 करना है और यदि एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में रेट तो आंसर आप लोगों को नाइनटीन करना है फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड एंड यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था ग्लोबल मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था वो बताना है ऑप्शन नंबर ए इज़ एटीन ऑप्शन नंबर बी इज़ नाइनटीन ऑप्शन नंबर सी इज़ नाइनटीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नाइनटीन तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया था तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 1974 1974 में जो है ग्लोबल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था लेकिन हमारे इंडिया में जो यही ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये हमारे इंडिया में जो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के नाम से 1978 में लॉन्च हुआ था तो अगर ग्लोबली पूछा जाए तो उसका राइट आंसर रहेगा 1974 और यदि हमारे इंडिया में पूछा जाए कि हमारे इंडिया में कब लॉन्च हुआ था तो वो उसका राइट आंसर रहेगा 1978 तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टीयर आउट बाय रूट्स इज द लिटरली मीनिंग ऑफ यहाँ पर पूछा गया है टीयर आउट बाय रूट इसका क्या मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर ए इज़ एलिमिनेशन ऑप्शन नंबर बी इज़ एरेडिकेशन ऑप्शन नंबर सी इज़ आइसोलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्रांसमिशन तो यहां पर हमें बताना है टीयर आउट बाय रूट का क्या मीनिंग होगा तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एरेडिकेशन इराडिकेशन का मतलब होता है किसी भी डिसीज कंडीशन को जड़ से खत्म करना तो यदि कोई डिसीज कंडीशन जो कि पूरे तरीके से जो है ख़त्म हो चुकी है एग्जाम्प एक्साम्पल है दैट इज़ अ स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स डिसीज़ कंडीशन जैसे कि हमारे कंट्री से कम्प्लीटली जो है जा चुकी है इरेडिकेट हो चुकी है तो जो डिसीज कंडीशन कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाए जड़ से ख़त्म हो जाए उसे टी आर आउट बाय रूट या फिर इेडिकेशन कहा जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाइड्रोसील इज अ स्वेलिंग ऑफ यहाँ पर पूछा गया है हाइड्रोसील जो है वो कौन किस चीज में स्वेलिंग को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इज लिम्फ नोड ऑप्शन नंबर बी इज लीवर ऑप्शन नंबर सी इज एक्टम एंड ऑप्शन बताना पर, बता पर स्वेलिंग प्रेजेंट होती है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्क्रॉटम स्क्रोटम में स्वेलिंग को कहा जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज नाइट्रोग्लिसरीन का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है ऑप्शन नंबर ए इज़ वॉमिटिंग ऑप्शन नंबर बी इज़ डायरिया ऑप्शन नंबर सी इज़ हेडेक एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कॉन्स्टिपेशन नाइट्रोग्लिसरीन का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी हेडेक हेडेक देखने को मिल सकता है जिन पेशेंट को नाइट्रोग्लेसरिन दी जा रही है तो वो क्या करेगी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है हाइपोटेंशन करती है जिसके कारण पेशेंट में हेडेक के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं उसके बाद पूछा गया है मूवेबल बोन इज इन द स्कल इज यहाँ पर पूछा गया है कि स्कल में मूवेबल बोन कौन सी होती है ऑप्शन नंबर ए इज़ मैंडिबल ऑप्शन नंबर बी इज़ मैग्जिला ऑप्शन नंबर सी इज़ नेजल बोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दिस तो यहाँ पर हमें बताना है कि स्कल में ऐसी कौन सी बोन है जो कि मूव होती है मूवमेंट करती है इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए मैंडिबल मैंडिबल बोन जो होती है सिर्फ ये ही स्कल में ऐसी बोन है जो कि मूवमेंट करती है बाकी सारी नॉन मूवेबल बोन्स होती हैं लेकिन मैंडिबल mand बोन जो है ये बात करते टाइम स्पीकिंग के टाइम या जब हम खाना चुइंग करते हैं चबाते टाइम मूव करती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन द डाइट इज कॉलेस टू द पेशेंट इज यहां पर पूछा गया है कॉले इट मीन्स कि यदि गॉल ब्लडर में क्या हो रहा है स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो पेशेंट को हम कौन सी डाइट जो है वो एडवाइस करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ रिड्यूस्ड प्रोटीन डाइट ऑप्शन नंबर बी इज़ डिक्रीज फैट डाइट ऑप्शन नंबर सी इज़ इंक्रीज कैलोरी डाइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट तो यहाँ पर हमें बताना है कॉलेथियासिस वाली कंडीशन में पेशेंट को कौन सी डाइट देना चाहिए गॉल में स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज फैट डाइट पेशेंट को फैट डाइट नहीं देंगे एडवाइस करना है कि पेशेंट फैट डाइट जो है वो ना ले क्योंकि काम क्या होता है फैट का एमल्सिफिकेशन करना और यहाँ पर क्या बता रहे हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन जो है वो फॉर्म हो रहे हैं तो इसलिए हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि पेशेंट फैट वाली डाइट जो है वो ना ले उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ेक्ट ऑन शेप ऑफ हार्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन यहाँ पर पूछा गया है एक्सपायरेशन मतलब जो ब्रीथिंग है उसे एक्सहेल करते टाइम जो हार्ट है उसके शेप पर क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज डिक्रीज ऑप्शन नंबर बी इज अनचेंज ऑप्शन नंबर सी इज़ इंक्रीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ डीज तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक्सपायरेशन के टाइम पर जब ब्रीथिंग को एक्जेल किया जाता है तो उस टाइम पर जो हार्ट है उसके शेप में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर इसका राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी अनचेंज्ड कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं एक्सेल और इनहेल के टाइम पर हार्ट का जो शेप है उस पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है उसके बाद पूछा गया द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनसाइड द लंग्स एक्चुअली ऑकर इन साइड टनी सैक कॉल्ड यहाँ पर पूछा गया है कि लंग्स में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है Uh, जो कि टिनी सेक्स छोटे सेक्स के अंदर होता है तो यहाँ पर हमें बताना है कि उन टीनी सेक्स को क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्रॉनकाई ऑप्शन नंबर बी इज़ सीलिया ऑप्शन नंबर सी इज़ कैपिलरीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एल्वियोलाई तो यहाँ पर हमें बताना है कि लंग्स के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज है वो कहाँ पर होता है या जो टिनी सेक्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी एल्वियोलाई एल्वियोलाई के अंदर जो है गैशेज का एक्सचेंज होता है और एल्वियोलाई को ही टेनी टनीसैक्लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है उसके बाद पूछे गए द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज़ नोन एज यदि प्लूरल स्पेस से टिश्यूज़ को रिमूव किया जा रहा है तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर इज लंग बायो ऑप्शन नंबर इज लंग बायोप्सी ऑप्शन नंबर बी इज़ प्लूरल बायोप्सी Option number C is a spleen biopsy and option number D is liver biopsy. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी प्लूरल बायोप्सी प्लूरल स्पेस से जो है टिश्यूज़ को रिमूव किया जा रहा है तो उसे प्लूरल बायोप्सी कहते हैं प्लूरल कैविटी जो होती है जो लंग्स की आउटर कैविटी होती है इसे प्लूरल स्पेस कहा जाता है और इस प्लूरल स्पेस से हम क्या कर रहे हैं टिश्यूज को रिमूव कर रहे हैं कल्चर के लिए तो उसे प्लूरल बायोप्सी कहेंगे लंग बायोप्सी और प्लूरल बायोप्सी में कंफ्यूज नहीं होना है इसका राइट आंसर रहेगा प्लूरल बायोप्सी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वैक्स लाइक सब्सटेंस क्रिएटेड बाय ग्लैंड इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल इज़ यहाँ पर पूछा गया है कि जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल है वहाँ पर जो वैक्स लाइक सब्सटेंस रहता है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इज बायोंग ऑप्शन नंबर बी इज सिरुमन ऑप्शन नंबर सी इज़ कोलाइजन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लिपिड तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी सिरूमन जो वैक्स लाइक सब्सटेंस रहता है सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है एक्सटर्नल ईयर कैनाल में उसे सिरूमन कहा जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्मोकी ब्राउन कलर यूरिन सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ विथ सब्सटेंस इन यूरिन यहाँ पर पूछा गया है कि जब यूरिन सैंपल लिया जाए और उसमें स्मोकी ब्राउन कलर देखने को मिले यूरिन का तो वो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ बाइल पिगमेंट ऑप्शन नंबर बी इज़ हाई लेवल ऑफ प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी इज़ ब्लड पिगमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड तो यहाँ पर हमें बताना है कि स्मोकी ब्राउन कलर जो है यूरिन का वो किस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए बाइल पिगमेंट बाइल पिगमेंट अगर प्रेजेंट रहेगा यूरिन में तो वो इंडिकेट करता है स्मोकी ब्राउन कलर और बाइल पिगमेंट यदि यूरिन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये रहेगा कि पेशेंट को कोई भी लीवर डिसऑर्डर हो रहा है लीवर से रिलेटेड डिसीज कंडीशन हो रही है जैसे लीवर सिरोसिस हो सकता है हेपेटाइटिस हो सकता है तो यदि बाइल पिगमेंट है Uh, यदि बाइल पिगमेंट यूरिन में प्रेजेंट होगा तो यूरिन का कलर जो है वो स्मोकी ब्राउन कलर दिखाई देगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन इज कॉल्ड यहाँ पर पूछा गया कि वेन uh, का जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है उससे क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ कैपिलरीज ऑप्शन नंबर बी इज़ वेन्यूल्स ऑप्शन नंबर सी इज साइनस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वेनाकेवा तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी वेन्योल्स वेन का स्मॉलेस्ट फॉर्म जो रहता है उसे वेन्योल्स कहा जाता है और यदि यहाँ पर लार्जेस्ट फॉर्म पूछा होता कि जो वेन्स है उसके लार्जेस्ट फॉर्म को क्या कहते हैं तो उसका राइट आंसर होता है वेना केवा तो लार्जेस्ट फॉर्म को जो है वेनाकेवा कहते हैं वेनाकेवा टू uh, वेन्स होती हैं सबसे लार्जेस्ट सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो हमारे बॉडी के जो अपर पार्ट्स होते हैं जैसे हेड नेक और चेस्ट रीजन वहाँ से ब्लड लेकर जाती है हार्ट में और जो इन्फीरियर केवा होती है वो जो भी हमारे बॉडी के लोअर uh, पार्ट वाले ऑर्गन्स होते हैं जैसे डोमन और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ उनका ब्लड लेके जाती है हार्ट में तो यहाँ पर यदि लार्जेस्ट पूछा जाए तो वेना कैा एंड स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो वेन्योल्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज यहाँ पर पूछा गया हमारे ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है ऑप्शन नंबर ए इज़ एवोटा ऑप्शन नंबर बी इज़ कैरोटेड आर्टरी ऑप्शन नंबर सी इज़ सबक्वियन आर्टरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पल्मोनरी आर्टरी तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन सी है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एटा एओटा को जो है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कहा जाता है और इसका जो डाया है वो कितना रहता है टू टू थ्री सेंटीमीटर यदि एग्जाम में डाया पूछ लें एयोटा का तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है टू से लेकर थ्री सेंटीमीटर तक का एओटा का डाया होता है इसलिए ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कहलाती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग कॉन्ट्राइंडेटेड इन टू हीमोफीलिया हीमोफीलिया वाली कंडीशन है हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो इस कंडीशन में हमें कौन सी ड्रग मेडिकेशन पेशेंट को नहीं देना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज़ एस्पिरिन ऑप्शन नंबर बी इज़ पेनिसिलिन ऑप्शन नंबर सी इज सिप्रोफ्लोक्सिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मॉर्फिन सल्फेट तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि पेशेंट को हीमोफीलिया है तो कौन सी ड्रग हमें पेशेंट को नहीं देनी चाहिए तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन एस्पिरिन जो है ये एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है इसलिए ये हमें पेशेंट को नहीं देना यदि पेशेंट को हीमोफीलिया की कंडीशन है क्योंकि हीमोफीलिया की कंडीशन जो है ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इसमें पेशेंट के जो है क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है ब्लीडिंग होती रहती है और एस्पिरिन भी क्या है एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन है तो ये ये भी क्या करेगी जो कहीं भी यदि कहीं इंजूरी होती है तो उस जगह पर प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है और प्लेटलेट एग्रीगेट होकर ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करती है और एस्पेरिन क्या करती है एंटी प्लेटलेट है तो इसलिए हमें को जो है ये नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन इंडिया विच टाइप ऑफ अनिमिया इज अनकॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हमारे इंडिया में कौन से टाइप का अनिमिया है जो कि अनकॉमन है ज्यादा देखने को नहीं मिलता है Option number A is iron deficiency and anemia. Option number B is folic acid deficiency. Option number C is uh, vitamin B12 deficiency. And option number D is iron and folic acid deficiency. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशियंसी की वजह से होने वाला अनिमिया परनीशियस अनिमिया कहलाता है और परनीशियस अनिमिया जो है ये प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है बहुत रेयरली देखा जाता है मेन जो टाइप्स अगर पूछे जाएँ कॉमन टाइप्स यदि पूछे जाएँ अनिमिया के तो आयरन डेफिशियंसी अनिमिया फॉलिक एसिड डेफिशियंसी ये मोस्टली देखने को मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेम्परेचर हीट प्रजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में जो है टेम्परेचर या हीट सेंटर प्रेजेंट होता है यहाँ पर टेम्परेचर या हीट रेगुलेटरी सेंटर बताना है ब्रेन में कहाँ प्रजेंट होता है ऑप्शन नंबर ए इज हाइपोथेलेमस ऑप्शन नंबर बी इज थैलेमस ऑप्शन नंबर सी इज सेवेलम ऑप्शन नंबर डी इज मेड्यूला ऑब्लॉगेटा तो यहाँ पर इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस ब्रेन में जो टेम्परेचर सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है और यदि रेस्पिरेटरी सेंटर पूछा जाए तो उसका राइट right आंसर रहेगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यदि आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं चैनल पर प्ले क्रिएट की हुई है एम पी एन एच एम स्टाफ नर्स के नेम से वहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं और यदि आप एम पी एन एच एम स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पी डी एफ़ परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पी डी एफ़ परचेज़ कर सकते हैं थैंक यू